हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम का एक लेटेस्ट और बहुत ही कमाल का अपडेट बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखना, ये अपडेट आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। सो गाइस, इंस्टाग्राम के अंदर एक नया फीचर ऐड हो चुका है जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो गाइस, क्या अपडेट है और क्या इसका यूज है तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो गाइस, इंस्टाग्राम को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पे सबसे पहले ये हमारे मेन दोस्तों चैनल की प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की। तो अपडेट क्या है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर के अंदर जाके अपडेट कर लेना है। बेसिकली गाइज, क्या अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइज, ये अपडेट ये है कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला कोई भी, जैसे आपका दोस्त है या फिर दोस्त नहीं है कोई भी है, तो आप चाहते हो कि वो जब भी फोटो अपलोड करे अपने इंस्टाग्राम पे या फिर IGTV पर वीडियो अपलोड करे या फिर इंस्टाग्राम पे लाइव आवे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, आपको उसका मैसेज आ जाना चाहिए कि उसका फोटो अपलोड हुआ है। अगर आप ये चाहते हो तो आपके लिए ये अपडेट काफी यूजफुल हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, इंस्टाग्राम ने अपने एप्लीकेशन के अंदर बेल आइकन ऐड कर दिया है, जैसे हमारे YouTube के अंदर है सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आता है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे फॉलो करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा जहाँ पे आप उसको प्रेस कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हो कि जब भी नई पोस्ट अपलोड हुए इस अकाउंट पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो लाइव में आपको बता देता हूँ कैसे इसको यूज करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने अपनी चैनल की प्रोफाइल ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल को सर्च कर लेता हूँ। तो आपको अपने खुद के प्रोफाइल पर ये अपडेट शो नहीं होगा, आपको दूसरे की प्रोफाइल ओपन करनी होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन। तो गाइस, देख सकते हो मैंने अपनी प्रोफाइल सर्च कर ली है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने फॉलो नहीं कर रखा है, तो कोई भी अपडेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कोई भी बेल आइकन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो देख सकते हो जैसे ही गाइस मैंने फॉलो किया यहाँ पे, तो ऊपर देख सकते हो आपको यहाँ पे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी का निशान दिख रहा होगा। तो यही दोस्तों अपडेट है, आप जैसे ही फॉलो करोगे तो आपको ये बेल आइकन दिख जाएगा, घंटी का निशान दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है, नीचे पॉपअप हमारे सामने शो हो गया है और आप क्या नोटिफिकेशन चाहते हो इस अकाउंट से वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर इस अकाउंट पे पोस्ट अपलोड हुए तो हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ऑन कर लेना है इसको। और अगर स्टोरी डाले तो भी आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर IGTV पर कोई वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर इस अकाउंट पर कोई लाइव आता है तो आपको यहाँ पर गेट ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप सारे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो और उस अकाउंट का अपडेट आप ले सकते हो तुरंत। जैसे ही पोस्ट अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जैसे ही स्टोरी अपलोड होगी तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, इन ऑप्शन को आपको ऑन करना है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा तुरंत जब भी कोई पोस्ट, फोटो या फिर स्टोरी अपलोड होगी इस अकाउंट पर। तो गाइस, काफी कमाल का है अपडेट, देख सकते हो ये बेल आइकन ऑन हो चुका है, राइट का निशान आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस, काफी कमाल का अपडेट है, आप इसको यूज कर सकते हो, आपके डेली लाइफ में ये यूजफुल हो सकता है अपडेट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इंस्टाग्राम पे जब भी नया अपडेट आता है तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा तुरंत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव है या फिर कोई भी मैसेज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइज, मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।